Uh, yes, Nigeria, over to you now. Uh, जी मैम मैं स्टार्ट करती हूँ बस ओके okay. okay, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी जी मैम बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है ओके okay. ओके okay. हमने अब तक काफ़ी अच्छे से इसको देखा है कि लाइक हमारे पास जनरेटिव एआई आई होती क्या है क्या हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है अब हम इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है ना वो है प्रोम्ड्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ठीक है और ये जो न्यू चीज़ हमारी लाइफ में आई है ये किस तरह से एकदम से ना चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर देती है ठीक है हम इसको देखेंगे इसको एक्सप्लोर करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा कि लाइक ये प्रॉम्पस आती कहाँ से हैं तो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लाइक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है ठीक है तो अगर आप लोगों को कैसा लगे कि मैम आप इस पोर्शन थोड़ा सा स्किप ओवर कर दें तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो थोड़ा सा बेयर विद मी आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों चार पेज से बैकग्राउंड इसका रिपीट कर रही हूँ ओके तो आ, ओके हमने देखा है कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन्स ने एक सोर्स निकाला है एक तरह से कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को मजीद एक्सीड कर सके एक टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है उसके अंदर ठीक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है वो होती ये कि जो ह्यूमन है ना जो ह्यूमन बॉडी है जो एक ह्यूमन मैकेनिज्म है बेसिकली उसी को सिमुलेशन उसकी सिमुलेशन करके हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी उसका जैसे ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म होता है बिल्कुल वैसे ही ठीक है लाइक एक तरह से ना हम उसको कॉपी कर रहते हैं जो कि ऑलरेडी कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम नेचर का ह्यूमंस के अंदर उसको हम बना रहे होते हैं अब टेक्नोलॉजी के अंदर तो अब हमने देखा यह है कि हिस्ट्री में हमारे पास इंसान ने हमेशा आगे से आगे मूव करने की कोशिश की है इन दिस फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो इसका नाम आता है हमारे पास कि लाइक इसके अंदर जब डिवेलपमेंट हुई आफ्टर जब टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंसान ने काम शुरू किया तो उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद काम इसके ऊपर मजीद रिसर्च वग़ैरह करना शुरू हुई मतलब कि तो बिफ़ोर टू थाउजेंड्स आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ना सिर्फ जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं हमारे सिर्फ स्टोरीज या हमारे कहानियों में खौफ के तौर पर आती थी कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कोई एक ऐसी रोबोटिक्स चीज़ होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान के टेक ओवर कर सकेगी जो कि सिर्फ इंसान के जो एक ह्यूमन बींग्स है ना उसके ऊपर टेक ओवर करेगी और ह्यूम्स को ख़त्म कर देगी तो ये तो वो मिथ्स थी जो कि टू थाउजेंड से पहले तक यानी कि इस सेंचुरी से पहले तक होती थी ठीक है लेकिन जब ये न्यू सेंचुरी आई हमारे पास न्यू डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर तो तब हमने बेसिकली इस फील्ड के अंदर मजीद सर्चिंग वगैरह करना शुरू की और 2015 में एक कंपनी जिसकी जो है वो बनाई जाती है वो होती है ओपन ए जिसका काम ये होता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च करेगी फॉर द बेनिफिशरी ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक वो ह्यूमन बींग्स की भलाई के लिए काम करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि ताकि जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको वो ह्यूमस के फेवर में काम नहीं करा सके ठीक है अगेंस्ट ना जाएं बल्कि उसके फेवर में और दूसरी बात यह कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि इसका काम अर्निंग uh, वगैरह करना नहीं था ठीक है लाइक इट वॉज़ बिलीव टू बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका काम सिर्फ ये था कि वो इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद एक्सप्लोरेशन करेगी न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएगी और ह्यूमन्स की भलाई के लिए काम करेगी ठीक है तो 2015 में ये कंपनी बनती है और उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करती है उस टाइम पर ना तो किसी को इसके बारे में आइडिया था कि ये कंपनी है क्या ये क्या करने वाली है और मेनली ये क्या कर सकती है ठीक है बिकॉज उस टाइम पर हमारे पास जो मेन टूल्स होते हैं या फिर एक तरह से जो मोनोपली कायम की हुई थी ना इस द वर, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वो गूगल ने और मेटा ने की हुई थी गूगल हमें पता है कि लाइक वो गूगल और चैट जीपीटी का हम देखेंगे आज के लाइक हम कंपैरिजन भी करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट है चैट जीपीटी या फिर जेनरेटिव ए आई फ्रॉम गूगल गूगल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी लाइक 1996 के बाद से और हमने देखा यह है कि जितनी भी कोई अगर भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती भी थी ना तो ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद ये जो बिग फिश होती थी जो कि जो ये मेटा या गूगल होती थी वो कोशिश ये करती थी कि जो अगर कोई न्यू फील्ड आ भी रही है ना तो वो उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेती थी ताकि बाद में अगर ये जाकर कोई मज़, अच्छा काम करे भी तो उनके हिस्से में ही आ जाए जैसे हम देखा था कि जो टेक्नोलॉजीज इंस्टाग्राम वगैरह आई थी तो उनको बाद में मेटा ने अपने अंदर अपना हिस्सा बना लिया था और बाद में जितनी भी उनमें काम हुआ वो मेटा के हिस्से में आ गया था बट ओपन एयर वो कंपनी थी जिसने अपना लाइक अपना राउट सेपरेट रखा था और ट्वेंटी एटीन में हमारे पास पहली दफ़ा लाइक एज अ सोर्ट ऑफ़ हमारे पास पहला मॉडल आता है जेट जी का ठीक है अब उसके अंदर होता क्या है उसके अंदर सारा डेटा फीड करवाया होता है जितना भी उनके पास पॉसिबल हो सकता है उस टाइम पर ठीक है वो थोड़ा होता है उस टाइम तक लेकिन वो उन्होंने वहाँ तक करवाया होता है और वो कहते उसको ये है कि ये हमारे पास जनरेटिव एआई है ठीक है यानी कि जनरेटिव ए है ये और ये हमें जनरेट करके देगा एज़ कम्पेयर टू जो गूगल करेगा ट्वेंटी फर्स्ट अवर ट्वेंटी नाइन्टीन और ट्वेंटी ट्वेंटी इसके मज़ीद दो वर्जनज आते हैं और ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बेसिकली मैं यहाँ पर आना चाह रही हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बेसिकली हमारे पास इसका जो बूम होता है वो हमें नज़र आता है एज़ इन द फॉर्म ऑफ चैट जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव ठीक है और बेसिकली इस पॉइंट पर हमें आ, हमें एक न्यू वर्ड जो सुनने को मिलता है वो है प्रॉम्प्ट्स ठीक है उससे पहले हमने सर्चिंग की होती है कहाँ सर्चिंग की होती है हमने गूगल में सर्चिंग की होती है हमने उससे पहले लाइक like, मजीद सर्च इंजन वगैरह देखे होते हैं गूगल यूट्यूब फेसबुक ठीक है या हमने सारे देखे हुए थे लेकिन ऐसा क्या था चैट जीपीटी में जनरेटिव ए में जो कि जो कि गूगल या फिर ऐसी कंपनीज में ऑलरेडी नहीं था ठीक है तो वो था प्रोम्प ठीक है प्रॉम्प क्या होती हैं प्रॉम्प आप कह लें कि वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन या क्यूरी क्वेश्चन कह लें जो कि आप एज अ यूजर उस जेनरेटिव ए से पूछते हैं ठीक है और जेनरेटिव ए का, का काम क्या होता है कि वो आपको उसी के लिहाज से आंसर करते हैं अब मैंने बताया ना कि लाइक ये जो थ्री पॉइंट फाइव है जी चैट जीपीटी ये रिलीज हुआ था इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो अब इसके पास इंफॉर्मेशन यानी कि जो डेटा है वो सारी की सारी 2022 तक इसको फीड कराई गई है किसके अंदर जी जी थ्री पॉइंट फाइव के अंदर अब जो इसका नेक्स्ट वर्जन है ना ना जी पी जी पी थ्री जी फोर उसके अंदर डेटा ज़्यादा है लाइक एज कम्पेयर टू थ्री पॉइंट फाइव लेकिन थ्री पॉइंट फाइव में ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक की है ठीक है तो अब हमारा काम ये होता है कि हमने प्रॉम्प्ट्स को इस तरह से लिखना है कि जितना भी उसके पास डेटा है ना ऑलरेडी वो उसको बहुत अच्छे से कंज्यूम करके और प्रोसेस करके हमें हमें अच्छा आंसर दे ठीक है अब जितने भी यूज़र्स होते हैं ना बेसिकली उन पर डिपेंड करता है कि यूज़र्स क्वेश्चन किस तरह का पूछते हैं जैसा यूज़र होगा जैसा क्वेश्चन वो लिखेगा जैसी प्रॉम्प्ट वो लिखेगा जीपीटी उसको आंसर भी उतना ही अच्छा करेगा नो नो डाउट कि जो जीपीटी जनरेटिव मैं बेसिकली जनरेटिव एक यूज़ uh, करना चाह रही हूँ जी मैं टी में एज एग्जाम्पल कह रही हूँ नो डाउट के जो जीपीटी है वो अपना अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा आंसर देता है अपनी ट्राई वो पूरी करता है लेकिन हमने एज ए यूज़र उससे इतना अच्छा उसको रिस्क uh, क्वेश्चन पूछना होता है कि वो हमारी नीड्स के बिल्कुल एग्जैक्टली exactly हमें आंसर करे ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक like, ये जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया प्रॉम्प्ट ये मैंने कहा है कि ये टेक्स्ट होता है ठीक है तो अब टेक्स्ट में हमारे पास एक चीज़ आती है जो कि होती है लिंग्विस्टिक्स हम इसको क्यों पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे बिकॉज हमें अब प्रॉम्प्स को एक्सप्लोर करना है हमें प्रॉम्पस इंजीनियरिंग को पढ़ना है हमें बेहतरीन प्रॉम्प्स लिखनी है इसलिए हम पढ़ेंगे अभी की लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक्स क्या होती हैं और इनका क्या रिलेशनशिप है विद द प्रॉम्पस हमें पता है कि जो प्रॉम्प्स है वो टेक्स्ट है ठीक है टेक्स्ट ऑब्वियसली किसी ना किसी लैंग्वेज में होगा लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स होती हैं लिंग्विस्टिक्स में यही है कि लाइक like लिंग्विस्टिक्स हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज ठीक है अब जिस तरह किसी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स होती हैं तो जो हम प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं वो वो चूंकि चु, एक लैंग्वेज में होता है तो उसमें भी लिंग्विस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं तो अब इन लिंग्विस्टिक्स के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ठीक है तो इन लिंग्विस्टिक्स में जो कॉम्पोनेट्स होते हैं वो फोनेटिक्स फोनोलॉजी मोरफोलॉजी सिंटैक्स सिमेंटिक्स प्रैगमेटिक्स हिस्टोरिकल सोशो लिंग्विस्टिक्स कंप्यूटेशनल एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स अभी जितने भी सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ना ये सब एक प्रॉम्प्ट का एक टेक्स्ट का हिस्सा होते हैं ठीक है और बेसिकली हमने थोड़ा सा एक ख्याल रखना होता है कि हम अपने टेक्स्ट में ना इन कॉम्पोनेंट्स को अगर इन सबको हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम इन सबको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर एंटर करें ठीक है फॉर एग्जाम्पल इनमें जो मेन आती है ना वो आप मैं कहती हूँ वो सिंटैक्स और सीमेटिक्स है सिंटैक्स हम कहते हैं द स्टडी ऑफ सिंटेक्स स्ट्रक्चर ठीक है जो भी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम कहेंगे जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना सेंटेंस का उसको हम सिंटेक्स कहते हैं और जो सिमेंटिक्स होता है वो होता है कि उस उस सेंटेंस उस सेंटेंस का यानी कि उस वर्ड का उसका मीनिंग क्या होने वाला है ठीक है जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका मीनिंग क्या होने वाला है वो सिमेंटिक्स में आता है सिंटेक्स में आता है जो उसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली हमारे पास मॉर्फोलॉजी है मॉर्फोलॉजी जो उसके अंदर वर्ड का स्ट्रक्चर होगा ठीक है फोनोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड चेंजेस अब मैंने अब तक वैसे सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की बात की है हमारे पास प्रॉम्प्ट कोई वॉइस भी हो सकती है ठीक है फोनेटिक्स में होता है कि जो स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड परसीव्ड सिमिलरली ये भी सारी हमारे uh, पास डिफरेंट ऐसे कॉम्पोन होते हैं हमने देखना ये तो होता है कि लाइक like, हम इन सबको कि, कितना अच्छे से कैरी करके अपने पास प्रॉम्प्ट में uh, लिख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर ठीक है अब उसके बाद हमारे पास एक uh, मैंने भी नाम लिया है प्रॉम्प्ट का और जीपीटी का जनरेटिव एआई के अंदर ठीक है तो जनरेटिव ए आई लाइक ये है क्या लाइक like, ये कहाँ से ये लैंग्वेज मॉडल है जनरेटिव ए आई एक लैंग्वेज मॉडल है जैसे कि जैसे जन जी पी टी फोर है मैं जी जी पी टी फोर की बात करूँ जी पी टी फोर एक लैंग्वेज मॉडल है ठीक है सिमिलरली लामा है इस तरह और भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं तो लाइक like, अब ये लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं हम ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपनी ज़ुबान में करते हैं ठीक है हमें एक दूसरे का मीनिंग समझ में आता है लेकिन हमने अब तक ये कभी परसीव नहीं किया था कि कोई ऐसी डिवाइस जिसके अंदर जो कि लिविंग बीइंग नहीं होगी जो कि जानदार चीज़ नहीं होगी वो भी ह्यूमंस की जो uh, जुबान है उसको समझ सकेगी अब डेफिनेटली जो हम प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हैं वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज ही है और वो एक मशीन एक कंप्यूटर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको अंडरस्टैंड कर रही है तो यही बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग होती है लैंग्वेज लर्निंग में हम यही करते हैं कि लाइक हमारे पास जो अपनी हमारे पास जो कम्युनिकेट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है हम उसको एंटर करते हैं और वो आगे से रिस्पांस जनरेट करता है अब इस अब इसके अंदर हम रिस्पांस डिफरेंट टाइप्स के जनरेट करवा सकते हैं हम उससे कोई टेक्सट जनरेट करवा सकते हैं हम उससे हमने देखा अब तक कि वो इवन लाइक वॉइस जनरेट करके देता है हमें टेक्स टू वॉइस के अंदर इसी तरह हमने अगर अगर आपने पिक्टोरियल उसके देखे हों मॉडल्स जैसे डाले थ्री वगैरह हैं तो डाले थ्री हमें पिक्चर्स में जनरेट करके देता है सिमिलरली आप उससे अगर कोई पोइट्री लिखवाना चाहिए आप उससे कोई ईमेल लिखवाना चाहिए आप उससे अपना कोई जो जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव वो तो आपको कोड तक लिख के दे देता है ठीक है तो ये सारे काम जो कि ह्यूमन्स के करने जो कि ह्यूमन्स ने अब तक बिलीव किया था कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं और इसमें ब्रेन पावर यूज होती है तो बेसिकली वो वाले काम जो हम समझते हैं कि सिर्फ हम कर सकते हैं और वो कोई बेजान चीज नहीं कर सकेगी वही काम हमें हमारी जो मॉडल uh, है जीपीटी वगैरह जनरेटिव ए वगैरह वो करके देती है और इसके लिए हमने उसे प्रॉम्प लिख के देने होते हैं ठीक है तो ये अब तक हमने देखा कि लाइक like, प्रॉम्प्ट्स में लिंग्विस्टिक्स क्या होती हैं और ये जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं ठीक है थीके? ये क्या होते हैं तो अब हम थोड़ा से देखते हैं कि लाइक like, हमने ये जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये हमने कब से जनरेट करना शुरू किया ताकि हम ये देख सकें कि इनमें जो प्रॉम्प्स की एवोल्यूशन है लाइक प्रॉम्प्स चेंज हुई हैं फ्रॉम वन फ्रॉम वन टाइम एरा टू एन अदर टाइम एरा लाइक ये प्रॉम्पस चेंज कैसे हुई हैं पहले किस तरह से लिखी जाती थी और अब हम इसको कैसे लिखेंगे ठीक है तो अब हमारे पास ना सबसे पहले लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में एल में ठीक है मैं ये जो मैं बताता ना पीछे लाइक के लैंग्वेज మే కమ్యూనికేట్ కర్తే హే లార్జ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ హోతే హే ఠీక్ హే వసై తో హమారే పాస్ స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ బి హే లేకిన్ మో బి సిమిలర్ కామ్ కర్తే బస్ డిఫరెన్స్ ఆతా హే ఇన్కే డేటా కా లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మే డేటా బహత్ జదా hoti trillions మే hoti హే స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మే థోడా సా బిలియన్స్ మే మేలియన్స్ మే చలే jati హే బట్ యే దోనో కామ్ వహీ కర్తే హే ఎస్ఎల్ఎం ఔర్ ఎల్ఎల్ఎం దోనో కామ్ హమారే పాస్ యహీ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ మే కమ్యూనికేట్ కర్నే కా రెస్పాన్స్ కర్నే కా కామ్ కర్తే హే తో అబ్ హమ థోడా సే యే దేఖేంగే కి లైక్ కే హమారే పాస్ ఎవాల్యూషన్ కైసే హుయే ప్రాంప్ట్స్ కే सबसे पहले एक ना आप समझिए कि ए के अंदर थोड़ी सी जो हमने काम किया था ना वो जो बिल्कुल पहला जिसे कहते हैं ना कि एक अर्ली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल हमने बनाया था वो नाइनटीन सिक्सटीज बनाया था और उसको हमने नाम दिया था वो बनाया उसको नाम जो दिया गया था वो एलिजा था ठीक है इसको बनाया गया था इन नाइनटीन टू नाइनटीन एट एम बाय दिस पर्सन ठीक है जोजफ़ विजन बॉम तो अब एलिजा के अंदर काम किस तरह से हो रहा था कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम था कि ह्यूमंस कम्युनिकेट कर रहे थे एक डिवाइस से अब इसके अंदर होता क्या था कि हम जो बातें आपस में कर सकते थे जिसके अंदर थोड़ी सी आप समझ लीजिए थोड़े से इमोशंस या फीलिंग्स होते थे ना और जो हम कहते थे कि वो हम विद द डिवाइस हम उसको कन्वे नहीं कर सकेंगे एलिजा में ये था कि एलिजा फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी डिवाइस बनाई गई थी जो कि इमोशंस में और फीलिंग्स में बात कर सकती थी अगर आप उसको बात लिख के दे देते दे थे ना तो वो आपको आपके जो वहाँ पर टेक्स्ट होता था उसके रिलेटेड वो आपको आंसर करती थी विद दो इन्वॉल्व इन इट तो अब उसमें दिखने में तो लगता था ऐसा था कि जैसे एलिजा हमें वो बहुत ही अच्छा और एक ना फुल ऑफ इमोशंस आंसर दे रही है बट एक्चुअली एलिजा को खुद भी पता नहीं होता था कि वो क्या आंसर कर रही है उसको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर पता होता था कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है उसको सिर्फ इतना पता होता, होता था कि लैंग्वेज में ये सारे कॉम्पोनेंट्स क्या हैं कि सिंटेक्स क्या है सिमेंटिक्स क्या है, है? किसी चीज़ का मीनिंग क्या है मैं कि किस सेंटेंस को किसके साथ जोड़ूँ और क्या मीनिंग सामने आएगा तो एलिजा को सिर्फ इतना पता होता था कि कोई भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कौ, कितने हैं, वो किस तो क्या, क्या बिल्कुल इंसानों जैसे जवाब दिया उसके है उसके अंदर थोड़ी सी जज्बात भी हैं उसके अंदर फीलिंग्स भी हैं और वो मुझे अंडरस्टैंड रही है हालांकि वो अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी वो सिर्फ उसका मीनिंग सिमेंटिक्स उसकी मोरफोलॉजी और ये सब देख के वो आउटपुट एक रिटर्न करती थी और वो भी लाइक like, मोस्टली वो सिंगल लाइंस होती थी डबल लाइंस में ज़्यादा टेक्स्ट में नहीं जाती थी इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एक न्यू फॉर्म ऑफ हमें मिलता है स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और नेचुरल लैंग्वेज में उसको नाम दिया गया था ये शेडलू ओके okay? तो uh, ये भी क्रिएट की गई थी इन द नाइनटीन सेवेंटीज बेसिकली बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी एट एंड नाइनटीन सिक्सटी नाइन सेम एट एम आई टी और ये अब इसके अंदर प्रॉम्स का तरीका कुछ इस तरह से था ठीक है कि लाइक था तो वो ए, ए, वो हम उसको ऑर्डर देते थे लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू थोड़ा डिफरेंट था थोड़ा सा एलिजा से जो हम आज पढ़ रहे हैं ठीक है थेके? वो भी बिल्कुल जितने भी दोनों मॉडल थे ना एलिजा और शेडो ये दोनों इतने एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स पर थे हम उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ये बस हमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में और छोटे छोटे पार्ट्स में आंसर कर सकते थे मोस्टली येस और नो में शर्लो तो लाइक एज कम्पेयर टू अलीजा ये उससे भी कम था लाइक uh, सिर्फ मोस्टली येस yes no और नो और एज अ बोलियन आंसर कर सकता था एलिजा हमें फिर भी थोड़े से टेक्स्ट आंसर कर देती थी ठीक है तो अब तक हमने ये देखा कि लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम अब कर, करते क्या आ रहे हैं हमने अब तक कैसे इसको प्रॉम्प्ट एंटर की थी अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आई है, हमारे पास इन दोनों से नेक्स्ट वो थी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो आपके पास चैट जीपीटी में जो जीपीटी है वो यही है जनरेटेड प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर और इसको मैंने लगा था ना क्रिएट किया गया था इन 2018 इसको क्रिएट किया था बाय ओपन ए क्योंकि ओपन ए इस पर रिसर्च करी थी इस फील्ड पर मेनली ट्वेंटी से आगे तक ठीक है उन्होंने इसमें लाइक काम शुरू किया था फॉर्म ट्वेंटी फिफ्टीन टू ऑनवर्ड लाइक अब तक वो काम कर रही है शुरू में एज आई दैड इट वॉज नॉन प्रॉफिट बट नाउ इट इज़ अ प्रॉफिट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ओके तो हमने बताया था कि लाइक अब जनरेटिव ए में होता क्या है कि जनरेटिव ए में जो हमारे पास जो हमारी मॉडल है ना जो हमारा लाइक जो एल्ग्रिजम जो भी हम इसको नाम दे दें एक ट्रांसफॉर्मर कह लें वो क्या करता है कि वो हमें आंसर जनरेट करके देता है ठीक है अब इसमें और गूगल में क्या डिफरेंस है लाइक जनरेटिव ए यानी ऐसा क्या काम कर दिया है कि ये इतना ज़्यादा एकदम से यू नो कि आते साथ एकदम इतना एस्केलेट कर गई लोगों ने इसको इतना क्यों सर्च करना शुरू कर दिया हमारे पास इससे पहले गूगल भी तो था लाइक गूगल पर भी तो हम यूज़ कर रहे थे फ्रॉम ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटीज़ तो लाइक जनरेटिव ए में ऐसा क्या डिफरेंस था कि वो उसने आकर ह्यूमन काइंड में एक, एक नया उसको टर्न दे दिया तो उसको हम ये कहते हैं कि गूगल का हमें पता है उसमें एक कॉम्पाउंड होता है एस ई ओ ठीक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इसमें एक और भी आप एंट, वो इंडेक्सिंग फॉर्म उसको कह रहे हैं आप ठीक है अब इसमें हो होता ये है कि सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब भी आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं ना तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ वेबसाइट्स एज कम्पेयर टू ऊपर नजर आ रही होती हैं कुछ कुछ लिंक्स के कुछ आंसर्स के कुछ वेबसाइट्स के जो कि नीचे होती हैं ठीक है थीके? अब ये काम कैसे करता है कि जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर अपना कोई टेक्स्ट दे रहे होते हैं ना गूगल पर तो गूगल उसको रैंक कर देता है ठीक है अब रैंक कैसे करता है रैंक करता है थ्रू दो की जो कि मे बी आपने एंटर की हों और बेसिकली इस सारे प्रोसेस को कि हमारी रैंकिंग ऊपर आए एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स की उसको हम कहते हैं एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आई आई थिंक सो कि सबको यहाँ पर आइडिया होगा कि लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है ये तो काफी पॉपुलर सॉर्ट ऑफ फील्ड है हमारे यहाँ काफी लोग करते हैं तो गूगल uh, में यही होता है कि लाइक like, गूगल क्या करता था कि वेबसाइट्स को रैंक करता था ठीक है रैंक करना उसको पता है कि मेरे पास ये वेबसाइट इस इस जगह पर आएगी इसका थोड़ा ये की है और ये वाली वेबसाइट यहाँ पर आएगी अब जब भी आप उसको कोई क्वेश्चन करते थे ना कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग या फिर ये किसी वेबसाइट को सर्च करते थे किसी टॉपिक को सर्च करते थे तो गूगल ने क्या करना होता था, था कि जो आपने उसको टेक्स्ट एंटर किया है ना उसने उसमें से थोड़ा सा देखना कि कौन से कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं ठीक है अब जो कीवर्ड्स मैच हो रहे होंगे ना उसने उस वेबसाइट को रैंक करना है ऊपर वो आपको शो होगी थोड़ा टॉप पर एज कंपेयर टू अदर्स जो कि आपको थोड़ा सा बॉटम में शो हो रही होंगे ठीक है तो इस तो इस तरह से जो है गूगल में लाइक हो रहा होता था कि लाइक वो ऑप्टिमाइज करता था एज कम्पेयर टू उस, उस पर कीवर्ड्स के गूगल को ये आइडिया नहीं होता था कि लाइक ये जो सर्च कर रहा है ना यूज़र इसका आखिर मीनिंग क्या है लाइक इसकी वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था कि जो यूजर ने मुझे एक या अपने यूजर ने मुझे टेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया है यूजर इसको पूछना क्या चाह रहा है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था बेसिकली और यही मेन डिफरेंस है बिटवीन गूगल का जो काम करता था और जनरेटिव एआई जो काम करती है और यही वो मेन बात है कि जनरेटिव एआई ने आकर एस एस आप कह लें गूगल का जो अब कम ही लोग गूगल पर सर्च करते हैं अब जो जिनको काम चाहिए होता है ना अच्छा वाला वो चैट जीपीटी से पूछते हैं तो यही वो मेन रीजन है कि गूगल ने जनरेटिव एआई ने थोड़ा सा रिप्लेस किया है गूगल की सर्चिंग पर अब जेनेटिव ए कैसे काम करती है कि जेनरेटिव ए में हम बेसिकली जो जो प्रॉम्प्ट एंटर की होती है ना यूजर ने जनरेटिव ए का जो ट्रांसफॉर्मर है वो उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है ठीक है वो कीवर्ड्स मैच नहीं करता जैसे गूगल करता था और जैसे वो रैंकिंग करता था वो प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है उसका मीनिंग ढूंढता है इसका मतलब क्या है उसके पास ठीक है और फिर वो उस लिहाज से अपने पास जितनी भी उसकी डेटा होती है ना वो सारे डेटा को Uh, उस सारे डेटा को देखते हैं कि मैं उस मीनिंग के और उस अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मैं कौन सा बेस्ट आंसर कर सकता हूँ ठीक है तो वो उस तरह से गूगल आपको आंसर करके देता है अब ये मेनली और हाईली डिपेंड करता है कि उसके पास डेटा कितनी होती है जनरेटिव ए के पास कितनी डेटा होती है फॉर एग्जाम्पल चैट जी जो थ्री पॉइंट वन है जो कि मैंने कहा था कि वो ट्वेंटी एटीन में रिलीज हुआ था उसके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी ठीक है तो डेटा थोड़ी सी थी उसके अंदर वो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट था तो अगर आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उसके पास डेटा इतनी ना हो और वो आपको वो उस तरह से आंसर ना कर सके एज़ कम्पेयर टू उसके जो सेकेंड और थर्ड वर्जन थे लेकिन जो मेन हमारे पास प्रोसीडिंग नजर आई वो जी पी में थी उसमें डिफरेंस यही था कि उसके पास डेटा उन्होंने बहुत सारी एंटर करवाई थी ठीक है लाइक उन्होंने हर फील्ड में डेटा इंटर करवा दी थी अगर आप आज भी जाकर जी बी थ्री पॉइंट फाइव को एक्सप्लोर करें तो आप उससे ईमेल लिखवा सकते हो आप उससे बेहतरीन टेक्स्ट लिखवा सकते हो जो कि आप शायद कभी खुद सोचा भी ना हो लिखने का ठीक है आप उससे पोइट्री लिखवा सकते हो आप उससे अगर आपने आप, आप तक एक्सप्लोर नहीं किया ना तो आप जी थ्री पॉइंट फोर से फाइव से कोड लिख सकते हो बहुत ही अच्छा वाला कोड वो कोड लाइक like जो कि शायद आपको जिस आपको शायद लैंग्वेज लर्न ना भी आती हो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एच डी एम एल नहीं आती सी एस एस नहीं आती या जा इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अगर आप जी पी थ्री पॉइंट फाइव से जाकर कहोगे कि मुझे इसमें कोड लिख के दे दो और उसको प्रॉम्प्ट हो तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा पीस ऑफ कोड लिख के देता है और यही वो मेन रीज़न है कि जीपीटी थ्री पॉइंट फाइव एज की आज से साथ उतना एक्सेल करके चला गया था ठीक है और इसी को लिखने के लिए हम आ, प्रॉम्प एंटर करते हैं अब हमारे पास मॉडल मैंने कहा ना कि जी 3.5 थ्री पॉइंट फाइव सक्सेसफुल बहुत ज्यादा गया तो उसके बाद फौरन हमारे पास देखा ना देखा कि हर एक कंपनी ने या हर एक जिसे आप कह लें कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक चैट बोर्ड बनाना शुरू किया था जी पी थ्री पॉइंट फाइव एक चैट बोर्ड था जो कि टेक्स्ट को आंसर करता था गूगल ने बनाया लेमडा ने पाम ने गूगल का बर्ड था ये लैमडा पाम वगैरह गूगल के थे हागिंग फेस की तरफ से ब्लूम आया था मेटा की तरफ से लामा आया था की तरफ से क्लाउड कोहेर और नेमो एल एल नेम, अभी इसमें मेंशन नहीं है जेमिनाई हमें हाँ पता है कि जेमिनाई बिल्कुल लेटेस्ट है इस सारे काम में ठीक है ओके तो अब हम अब अब ये जितने मॉडल्स है ना लाइक सभी प्रॉम्प्ट्स को ले रहे होते हैं ठीक है तो अब मैं बताया कि हम जी पी थ्री पॉइंट फाइव से कितना काम ले सकते हैं मैंने बताया कि हम उससे अपनी मर्जी का कोई भी कोड लिखवा सकते हैं कोई टेक्स्ट लिखवा सकते हैं कोई ई मेल लिखवा सकते हैं कोई इवन अगर आपको कोई स्कैजल प्लान करना है वो उससे हेल्प ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आपने कभी अगर आपको ट्राई कराना तो आपको पता चलेगा कि आप उस आप जी पी थ्री पॉइंट फाइव से जो कि एक चैट बोर्ड है आप उससे एक इंटरव्यूअर का काम ले सकते हैं लाइक वो आपका इंटरव्यू कर सकता है कम्प्लीट कंप्लीट आप उससे कहेंगे कि लाइक अगर मेरा आप मुझसे क्वेश्चन पूछो इस फील्ड के रिलेटेड तो वो आपसे काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछेगा जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ठीक है लेकिन ये सारा काम करने के लिए हमें हमें जरूरी किया कि हमें वो एक, एक काम करना आता हो जो कि है कीबोर्ड से एंटर करने का ठीक है अब क्योंकि सब ने इसको देख लिया है जी पी थ्री पॉइंट फाइव को जी पी फोर को जी पी टी फोर शायद कम ही हो बट सब ने एटलीस्ट ओपन है कि इन मॉडल्स को देख लिया वो डायरेक्ट थ्री भी शायद आप लोगों ने विजिट किया होगा कहीं कभी इसके अलावा जो टेक्सट टू वॉइस मॉडल्स हैं ठीक है क्योंकि ये एक कॉमन सी एक चीज़ बन गई है तो लोगों को लगता है कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ और मुझे बहुत अच्छी इनपुट करना आती है क्यों क्योंकि मैं तो जब भी इनपुट करता हूँ मुझे आगे से आंसर कर देता है ठीक है तो अगर आपको अभी तक अब तक ये वो है ना खाम ख्याली है कि मुझे तो बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट लिखना आती है तो इसको थोड़ा सा हम दूर करेंगे कि हमने कि अच्छी प्रॉम्प्ट होती क्या है ठीक है और किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखें कि वो जीपटी का जो मॉडल है वो इतना अच्छा आंसर करे कि वो हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो उसके बिल्कुल करीब करीब आ जाए ठीक है तो स्टार्टिंग में कि लाइक डिफरेंट होते हैं और हर यूजर ने अपनी इनपुट करनी होती है और उस इनपुट पे डिपेंड रहा होता है कि वो आउटपुट कैसे देगा ठीक है अच्छा अब मैंने ये कहा था कि लाइक जो प्रॉम्प होती है वो एक टेक्सचुअल चीज होती है उसके अंदर टेक्स्ट होता है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि लाइक उस प्रॉम्प्ट को बेटर करने का क्या तरीका होता है हम उसको अच्छी प्रॉम्प्ट को कैसे लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने लाइक बुलेट पॉइंट्स में फाइव पॉइंट लिखे हैं जो कि हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन पर्सोना स्पेसिफाई द फॉर्मेट अवॉइड लीडिंग द आंसर लिमिट द आंसर ओके अब हम थोड़ा सा ना एक मिनट इधर जाते हैं लाइक like, ओके um, okay, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन किया था और ओके okay. ओके okay, मैं आपको बता रही थी ना कि लाइक ये जो जीपीटी के मॉडल है ये आपको टेक्स्ट लिख के दे सकता है या आपको कोड लिख के दे सकता है तो यहाँ पर ये, ये मैंने ऑलरेडी कुछ सर्चिज की हुई थी यहाँ पर जो कि चाहे जीपीटी 3.5 पे थ्री पॉइंट फाइव पे थी ठीक है ये मैं वैसे आप लोगों को शो कर रही थी कि कैसा आपको आंसर कर दे सकते यहाँ पर सबसे सिंपल टेक्स्ट है या वो कोड भी लिख के दे सकता है लेकिन फॉर नाउ अभी हम देखेंगे कि हम एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे दिखते हैं मैं ये आप अगर लाइक चैट के यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर आपको ओपन ए की वेबसाइट पर जाएं तो आप अगर उसके बाद आप लॉग इन करके चैट जी पी क्लिक करेंगे ना तो आपको वो थ्री पॉइंट फाइव के मॉडल पर ले जाएगा थ्री पॉइंट फाइव जो है वो फ्री है मैंने कहा था कि लाइक वो नॉन प्रॉफिट जब तक ओपन ए नॉन प्रॉफिट थी तब तक थ्री पॉइंट फाइव रिलीज हुआ था और इसीलिए ये फ्री है जब जब जी का ये फोर रिलीज हुआ तब तक ओपन एयर एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और दैट इज़ वाई आपको पे करना पड़ता है अब फॉर दिस फॉर जी पी फोर ठीक है तो uh, अभी मैंने बताया था कि लाइक जो टेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है वो मेरे पास एक टेक्स्ट होती है ठीक है um, और हमने उसको सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि हम उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें अब इस क्लियर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है uh, अच्छा सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ना ये एक प्रॉम्प्ट है ठीक है और मैं इसको एंटर करती हूँ को को क्या कहा है कि वो एक मेल लिख के दे फॉर माई टेन ई मेल फॉर वर्कशॉप ऑन जनरेटिव ए आई ठीक है मैंने इसको ये ई मेल दिया है अब मैंने बताया कि वो मुझे एक ई मेल जनरेट करके दे सकता है वो ये उसके काम में से एक है ठीक है तो अगर आपने कभी आज से पहले लिखी हो ई मेल ठीक है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि लाइक ईमेल में किस किस तरह से होते हैं हमें हम उसमें एक सब्जेक्ट ऐड करते हैं हम उसमें फिर लाइक हमारे पास उस एक इस तरह से हम ओपनिंग करते हैं अपनी ईमेल की ठीक है उसके बाद अब आपने ये नोटिस करना है कि जब मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दी तब उसने ये थोड़ा सा ना जिसका ना वेल विशिंग करना जब जब भी एक अच्छे लेटर या एक अच्छी ईमेल की लाइक जो होती है ना प्रॉपर्टीज वो सारी उसने यहाँ पर ऐड की हुई हैं वो सबसे पहले उसने एक अच्छा सब्जेक्ट दिया है उसके बाद उसने उसकी लाइक खैर खरीद पूछी है आई होप कि आप अच्छे हों इन गुड हेल्थ हो ठीक है थीके? उसके बाद उसने हमने लिखी है ये थोड़ा सा बॉडी लिखी है और इवन कि मुझे बुलेट पॉइंट भी एंटर करके दिए हैं ठीक है थीके? और ये उसने फिर करके दिया कि हम वर्कशॉप में क्या क्या करेंगे लाइक हम जो जो मैंने उसको प्रॉब्लम दी थी ना वो ये दी थी कि वो आ, हम वो एक वर्कशॉप अटेंड करने हैं मेरे पास ठीक है तो अब उसने मुझे ये सारा कुछ लिख के दे दिया मैंने हालांकि मैंने उसको सिर्फ एक इतनी सी लाइन लेके दी थी कि मुझे अपने टेन ई मेल सब्सक्राइबर्स को इन्वाइट करना है एक वर्कशॉप पे तो मुझे उसके लिए ई मेल लिख दो और मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं उसमें क्या क्या डिस्कस करूंगी लेकिन फिर भी उसने मुझे एक क्लिख के दे दिया ठीक है अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ठीक है Uh, तो ये एक बहुत अच्छा है नहीं ये सिर्फ एक एवरेज रिस्पॉन्स है और एवरेज क्यों है बिकॉज आपने उसको प्रॉम्प्ट एक एवरेज दी है ठीक है अब ये प्रॉम्प्ट एवरेज क्यों है ये एवरेज इसलिए बिकॉज इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है अगर आप इसमें और इंस्ट्रक्शन ऐड करते ना कि मेरी जो वर्कशॉप है वो कैसी होने वाली है उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगी तो आपको ये इससे भी अच्छी ईमेल लिख के देगा जो कि जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी होगी फॉर आप आपके सब्सक्राइबर को पढ़ने में और वो ऑब्वियसली आप ही के बिजनेस को इम्प्रूव करेगी ठीक है तो अब वो अच्छी प्रॉम्प्ट क्या है वो अच्छी प्रॉम्प्ट है ये ठीक है ये है वो इम्प्रोम जो कि मैं कह रही हूँ कि वो बेटर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन अब ये बेटर क्यों है ये बेटर इसीलिए है क्योंकि इसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ठीक है ओके okay, अब उसने यहाँ पर क्या किया है कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ईमेल को ये ये बताती हूँ मैं कि ये ये क्या लाइन है ये मैं अभी ना थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी ये जो पहली लाइन लिखी ना यहाँ पर ये मैंने एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखी है और अच्छी प्रॉम्प्ट में ये लाइन ज़रूर होती है मैं बताऊँगी कि ये ई ये जो पहली लाइनिंग है क्या अभी बस थोड़ी देर में ठीक है बट अब इस अब जो ये वाली प्रॉम्प्ट है ना इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ना मैंने इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने इसको मजीद इंस्ट्रक्शन दिए टेक्स्ट ऐड किया अपने प्रॉम्प्ट के अंदर यही डिफरेंस है इन दिस वन एंड इन द प्रीवियस वन ठीक है ओके और आ, अब उसने अब अब उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन तो क्या दी है पिछली वाली इवेंट मैंने देखी थी वो थोड़ी सी ना सिंपल सी थी एज कंपेयर टू सादा सी थी ठीक है अब इसमें मैं उसके डिमांड क्या कर रही हूँ मैं डिमांड ये कर रही हूँ कि लाइक ओवर द टॉप एक ई मेल लिखे uh, और लाइक like, वो ई मेल लिखे जो कि ज्यादा ओवरली एक्साइटेड होके लिखे ठीक है उसको मैंने ये भी बता दिया कि मेरी ऑडियंस के जो है वो उसकी लाइक एवरेज एज क्या होने वाली ये मैंने क्यों बताया बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही ईमेल के अंदर दैट इज वाई मैंने सु... उस स्पेसिफिक ऑडियंस का थोड़ा सा एवरेज एज बता दी अपनी प्रॉम्प्ट um, के अंदर ये मैंने इसको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस ऐड करके दिया और इसके अलावा ना एट द एंड मैंने इसको एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि ओके आई थिंक सो ये एक और प्रॉम्प्ट है ओके okay. अच्छा तो so, ये वाली एक एक और प्रॉम्प्ट है ये इसका पार्ट नहीं है Uh, ये जो एंड्रॉइड दो लाइन है ठीक है बट जो इतनी जो ऊपर वाली इतनी प्रॉम्प्ट थी उसमें मैंने उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरी ई मेल होने किस किस तरह से चाहिए ठीक है तो अब उसने जो मुझे ई मेल दिया अब ये जो कन्फेक्टीज थोड़ी सी इसने आइकन्स ऐड किए हैं ये मेरा ऊपर वाले ई मेल में थे यहाँ पर यहाँ पर वो नहीं थे राइट अच्छा अगर वो ऊपर नहीं थे तो ये नीचे कैसे आ गए ये नीचे इसलिए आ गए बिकॉज मैंने उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया ओवर द टॉप एंड डिजाइन टू रेजोनेट विद एन ऑडियंस ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड ट्राइंग टू फिगर आउट द वे अराउंड चैट जी पी टी ये जो मेरी एक इंस्ट्रक्शन है ना इस इंस्ट्रक्शन ने उसको बताया कि लाइक like, uh, मैं ओवर द टॉप ई लिख के दूँ तो दैट इज़ वाइ मुझे अब अगर आप इस ई को अगर आप रीड भी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वाली है इसमें इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं फन के और ज़्यादा एलिमेंट ऐड होने वाले हैं इम्प्रूवमेंट के ठीक है ये हम होती है हमारे पास कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं हमें उसने हमें इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन ऐड करनी होती है अब अब दूसरा और मैं कहूंगी कि ये मेन पॉइंट लिए लिए ये main point है मैंने इसको अब तक काफी यूज किया ठीक है है वो परसोना परसोना ओके हमें पता है हम ना यूजुअली अः पर्सनैलिटीज के साथ ना हम एक परसोना हम ह्यूमन बींग आपस में ऐड करते हैं ठीक है लाइक किसी का परसोना किस तरह से हो सकता है और uh, डिफरेंट ह्यूमन बींगस डिफरेंट पर्सन होना डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है अब हमने क्या करना है हमने जी पी टी को भी एक पर्सनैलिटी देनी है कैसे देनी है ऐसे देनी है ठीक है मैंने कहा था ना कि, कि पहली लाइन है यू आर एन एक्सपीरियंस ई मेल कॉपी राइटर फॉर ब्रांड लाइक ऑगलीबी ठीक है ये लाइन क्या है मैं जी पी टी फोर को जीपीटी थ्री पॉइंट फाइव को यह एहसास दिला रही हूँ कि वो एक बेहतरीन कॉपी राइटर है वो वो हालांकि है नहीं ठीक है वो नहीं है वो सिर्फ एक मॉडल है वो जो तो जिंदा भी नहीं है वो तो मशीन में बैठा हुआ अंदर है लेकिन मैं उसको कह रही हूँ कि यू आर एन ओवर एक्सपीरियंसड एक्सपीरियंसड ई मेल कॉपी राइटर ये मैंने इसको एक्सपीरियंस्ड ईमेल मेल कॉपी राइटर क्यों लिखा बिकॉज अभी मेरी जो ईमेल थी ना जो मेरी प्रॉम्प्ट थी वो एक ईमेल के बारे में थी और उस ईमेल में मैं कॉपी राइट कर थोड़ा सा काम करने वाली अब अगर मेरी प्रॉम्प्ट होती किसी और तरह पे किसी और आ, काम कर रही होती फॉर मैं एग्जाम्पल मैंने उसको एक पोएम लिखने मैंने कहना था कि मुझे एक पोएम लिख के दे दो एक तरफ तो मेरी प्रॉम हो सकती थी, थी कि मैं उसे कहती कि मुझे एक पोइम लिख के दे दो अगर आप ये भी लिख दो ना कि राइट मी आ पॉइम तो वो आपको एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी पॉइम लिख के दे देगा लेकिन अगर आप उसको साथ और इंस्ट्रक्शन एड कर दोगे और उसको एक सोना दे दोगे आप उसको परसोना कह दो कि यू आर अ ग्रेट एक्सपीरियंस पॉइट और स्पेशली किसी रा, राइटर के साथ नेम अटैच कर दो कि हु राइट्स इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर या फिर जो भी आपका फेवरेट राइटर है ठीक है तो अब वो क्या करेगा उसको एक परसोना मिल गया कौन सा परसोना एक ऐसे बंदे का जो कि शेक्सपियर से इंस्पायर्ड होके लिख लिखता है पोइट्री को तो अब जो आपको आंसर करने वाला है ना वो आपको आंसर भी करेगा एक ऐसी पोइट्री के फॉर्म में जिसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट होगा आपके फेवरेट पोइट का ये जो जिस पोएट को मैंशन किया होगा आपने प्रॉम्प्ट में उसका अब ये जो काम है ना ये मेरे काम ये मेरे काम बेसिकली अपनी लाइक अपनी रियल लाइफ में मैंने इसको यूटिलाइज किया था जो हमारे पिछले हमारे ना जनवरी के मंथ में एक हैकाथन गुजरी थी उसमें वो बेसिकली इस मॉडल थी जी पी टी फोर के बारे में और डालची वगैरह के बारे में ठीक है तो उनमें मुझे ऐसे ही काम करना पड़ा था कि पहले मैंने ना जो मेरा लाइक टीम का लीडर था वो सिर्फ इतनी इतना सा काम लिख रहा था लाइक वो सिर्फ उसकी बॉडी अटैच कर रहा था वो ना ये परसोना अटैच नहीं कर रहा था प्रॉम्प्ट के अंदर तो उसका आंसर ना थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा था वो लाइक uh, डाइवर्च like, uh, कर रहा था जो कि असल आंसर से तो मैंने बस उसके अंदर सिर्फ ये परसोना ऐड किया मेरे प्रॉम्प्ट के अंदर और उसने मुझे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन वे में जो एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए थे ना वो मुझे देना शुरू कर दिया था तो ये जो परसोना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक अगर आप ना इसको सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट e में ऐड करके देखें कि ये आपको बहुत ही लाइक बेटर

लाइक ए आई असिस्टेंट हु टीच यानी कि तुम टीचर हो तो देन जब उसको हम अटैच करेंगे तो वो टीचर की तरह जवाब देगा फिर हम कहें अगर तुम एग्जामिनर हो तो एग्जामिनर्स की तरह जवाब दे रहा होगा और इसी तरह से सो so ऑन आप उसको मेडिकल uh, वो बना सकते हैं लाइक uh, जो अपॉइंटमेंट पे बुक करते हैं आप उसको रिसेप्शनिस्ट कॉल करते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट की तरह वही फंक्शनैलिटी लेके आएगा जो तो एक रिसेप्शनिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करके लिए ज़रूरी होती है पिछली वाली जो प्रॉम्प्ट ये मैम बता रही थी कि इसमें जैसे स्पेसिफिक भी हो और उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी हो तो उसमें काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसी डाल सकते हैं जैसे अगर हमें लगता है कि लंबी बहुत लंबी कहानी कर रहा है तो हम उसको कह दें कि विद इन फिफ्टी वर्ड्स हमें बता दो विदिन सेवेंटी फाइव वर्ड्स हमें बता दो इसी तरह से जो डिफरेंट फॉर्म्स इंटरनेशनली फिल होते हैं जिसमें आपको अपने डिस्क्रिप्शन के तीन तीन सौ चार चार सौ वर्ड्स लिखने होते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है वहाँ पे ये बहुत आराम से काम करता है डायरेक्टली आप उसको बोलो कि थ्री हंड्रेड वर्ड्स के अंदर मुझे ये चीज़ लिख के दे दो तो थ्री हंड्रेड वर्ड्स के अंदर लिखेगा फिर एक चीज़ इसमें जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना डियर सब्सक्राइबर नेम अगर प्रॉम के अंदर सब्सक्राइबर का नेम और डेट और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब डाल दो तो आपको उसको कॉपी करके कहीं और ले जाके उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा बल्कि यहीं पे ही वो सब्सक्राइबर का नाम भी आ जाएगा सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर आखिर में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि विद इन फिफ्टी वर्ड्स लिख दो या वन फिफ्टी वर्ड्स हो वट रिक्वायरमेंट जो भी हो बस यही ऐड करना था जैसे हमने कहा ना कि लाइक ये जो आ, ये जो हमारे होता है ये ये रियली एक गेम चेंजर है ठीक है इसको मैंने बिल्कुल इनिशियल में सीखा था जब मैंने थोड़ा सा काम किया था ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में तो ये बिल्कुल फर्स्ट काम तो मैंने किया था और अगर और अगर कोई भी बंदा आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को टेस्ट कर रहा होगा ना तो वो ये जरूर देखेगा कि आपने ये ऐड की होगी या नहीं की होगी और जहां कहीं भी आपने देखना होगा ना कि अच्छी प्रॉम्प्ट लिखी है कि नहीं उस ये टेस्ट फैक्टर है ये चीज इन्वॉल्व होगी तो वो प्रॉम्प बहुत ही अच्छी उसका आंसर अच्छा आने वाला है ये था परसोना तीसरा है फॉर्मेट ठीक है अब फॉर्मेट क्या है फॉर्मेट ये है है जो मैंने 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 इसको डिस्कस किया मैंने जितनी भी अब तक प्रॉम्प्ट लिखी है, मैंने इसमें फॉर्मेट बताया है कि मुझे एक ईमेल लिख के दो इसको हम कहते हैं फॉर्मेट अब फॉर्मेट मेरे पास ईमेल हो जाता था या फिर अगर मुझे मैंने ना अब तक जीपीटी से रीडमी फाइल्स तक लिखवाई कौन सी रीडमी फाइल जो गिट की रीडमी फाइल्स होती है ठीक है मैंने यहाँ पर तो लिखवाई थी मेरे पास मुझे यहाँ पर होगी यहाँ पर कहीं ठीक है बट हम अपने पास ना हम जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना तो हम मेक श्योर कि आप उसको बताएं कि आ, आपने क्या लिखना है ठीक है आ, क्या चीज़ लिख के देनी है उसने आउटपुट क्या करनी है ओके okay, मैं अब यहाँ पर देख रही हूँ अगर ये मुझे दे दे कोई रीड फाइल ठीक है रीड फॉर एग्जाम्पल रीडनी फाइल्स होगी ई मेल्स होगी या फिर इसके अलावा Uh, कोई और स्पेसिफिक ऐसे हो गया तो आपने ये जरूर मेंशन करना है उसको कि मुझे लिख के दो ये देखें जब ये देखें ये मुझे ये सारी की सारी चीज ना मुझे ये मैंने एक ऐप बनाई थी ठीक है uh, मैंने उसको क्या किया सबसे पहले ऊपर ने मैंने उसको अपना कोर्स सेंड करके लिख के दे दिया ये वाला सारा कोर्स था जो कि मेरी ऐप का था ठीक है मैंने क्यों लिख के दिया ताकि उसको अंदाजा हो जाए कि मेरी ऐप में हो क्या क्या रहा है जब ये हो गया ना तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक रीडमी फाइल लिख के दो ठीक है जो कि यहाँ स्टार्ट होती है और ये सारी की सारी रीडमी फाइल जो है ये मुझे उसने लिख के दी है ठीक है ये मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दिया और अपनी ऐप का टेक्स्ट दिया और मैंने बताया कि मुझे रीडमी फाइल लिख के दो तब उसने मुझे लिख के और इसके अलावा मैंने साथ डॉट एम डी लिखा मार्कडाउन के लिए अगर मैं ये नाम मैंशन करती ना तो मुझे उसने किसी और चीज में लिख के देना था तो ये होता है फॉर्मेट आपने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंशन जरूर करना है कि मैंने क्या फॉर्मेट करना है अब मैंने जब ये ओपन कर लिया ना तो मैं आपको एक और बता देती हूँ वो ये है कि जब मैंने ये न्यू चैट खोली है ना और इस इस चैट में जितना कुछ भी हो रहा होगा ना वो सब उसको याद है फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको सबसे ऊपर ये कोड लिख के दिया है ना तो विद इन दिस दिस पेज लाइक इस पेज ये अगर मैंने ये चैट ओपन की ना ये एक न्यू चैट है यहाँ भी वैसे बेसिकली मैं उसे कोड लिखवा रही हूँ इस पेज में ना जो कुछ भी हो रहा है ना वो उसको याद है ठीक है तो अगर मैंने उसको ऊपर ये कोड दिया था ना वो कोड उसको याद है लाइक इस कोड में हो क्या क्या रहा है उसके अलावा जब उसके बाद मैंने उसको दूसरा काम ये दिया था कि ये शायद कोई क्वेश्चन था मैंने वो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर और उसके नीचे मैंने उसको यहाँ पर कहा है रीडमी फाइल लिख के दो अब मुझे ना इस रेडमी फाइल में कुछ चीजें पसंद आई कुछ नहीं आई अब अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा ये भी होता है कि आपको जब कोई प्रॉम्प्ट मिल जाए ना को, कोई मतलब कोई आंसर मिल जाए आप उस आंसर में चेंजेस कर सकते हो कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर एग्जाम्पल जो मुझे ये वाली आई थी ना रीडमी फाइल मुझे आई थी इसके लिए टाइटल नहीं था तो फिर मैंने उसको कहा था कि मुझे एक टाइटल दो क्यों दो तो बिकॉज जो मुझे आउटपुट मिली थी वो मुझे उस तरह से नहीं मिली जो मैं चाहिए थी देन अगेन मैंने जब उसको ये लिख के दिया ना तो मैं मैं फिर मुझे ये थो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको दोबारा से फिर उसको चेंज किया उसको थोड़ा थो थो सा नेम दो और तरह का तो आपने प्रॉम्प्ट्स में ऐसे ही काम करना होता है कि आपने ऐसा नहीं होने वाला कि आप उसको एक बार क्वेश्चन करोगे वो आपको डायरेक्ट अच्छा सा आंसर दे देगा तो प्रॉम्प्ट टाइम जानने का हिस्सा ये भी है कि आप उससे कोई आउटपुट लो तो बार बार उससे कहो कि मुझे इसमें ये ठीक करके दे दो एज लॉन्ग एज कि वो आपकी जो जो डिजायर्ड आउटपुट है वो उसके मुताबिक ना हो जाए ठीक है देन अब उसमें ये जो मेरे पास रेडमी फाइल थी ना ऊपर उसमें इनपुट का मैथड मैथड नहीं बताया था उसने तो फिर मैंने उसमें कहा कि मुझे इसमें ना इनपुट का मैथड इंक्लूड करके दो तो फिर अब जो उसने मुझे आउटपुट करके दिया वो मुझे इनपुट का मैथड दिया ठीक है तो इस तरह से बेसिकली हम अपने आउटपुट को है जो वो मजीद डिफाइन करते हैं और ये मेरे पास वो कंप्लीट फाइल थी जिसके अंदर आई थिंक मेरा सारा इन, जो मैं चाहे था वो इन, इन्वॉल्व था ठीक है और ये बहुत अच्छे आंसर करता है आपको ये एक रीडमी फाइल बनाने के लिए ना कभी आपको गीठ रिप्रेजेंटेटरी विजिट कीजिएगा कितनी सारी गीठ रेप्रजेंटेटिव के ना रीडमी फाइल होती नहीं ठीक है बिकॉज ये टाइम लेती है थोड़ा सा ब्रेन लेती है आपको आपको अपना थोड़ा सा दिमाग रहना पड़ता है थोड़ा सर्च करना पड़ता है थोड़ा सा टेक्सट लिखना पड़ता है उसमें कितने सारे कॉम्पोनेट्स आ जाते हैं लाइक फीचर्स के इंट्रोडक्शन के इनपुट मैथर्ड्स वगैरह के तो ये अगर आप खुद लिखने बैठे होगे ना तो आप कभी गिटअप फाइल्स को कोई रीडमी फाइल गिटअप रेप को कोई रीडमी फाइल दो गई ही नहीं लेकिन सिर्फ आप क्या गए कि चैट जी के पास गए ए के पास गया आपने उसको अच्छी प्रॉम्प्ट लिख के दिया और उसने आपको इतना सारा काम जो कि आप खुद शायद ना कर पाते या फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता वो उसने इतने अच्छे तरीके से करके दे दिया और बेसिकली यही जो है वो एक नया कह लें कि एसेंस है हमारी लाइफ में आ, हमने इसी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते है हैं हैं ताकि हम ए को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें ठीक है अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ना कंपोनेंट वो है अवॉइड लीडिंग द आंसर ठीक है लाइक आपने ना आंसर को अवॉइड करना है कि वो कहीं किसी और तरफ ना जाए और पांचवा यह है कि लिमिट द स्कोप ठीक है आ, उसके स्कोप थोड़ी सी लाइक आप कम रखनी है एज कंपेयर टू के लाइक आपने चारों तरफ नहीं फिरना हर थर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना थोड़ा सा पाथ को स्ट्रीमलाइन रखना है मुझे क्या चाहिए आ, क्या क्या नहीं चाहिए वैसे ये एक न्यू पॉइंट यह है कि लाइक आप मैंशन कर सकते हैं मुझे क्या नहीं चाहिए जो मैंने बताया था ना आपको अभी दिखाया था टाइटल मैंने उसको कहा कि मुझे वो टाइटल नहीं चाहिए तो उसने वो रिप्लेस कर दिया एक तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए दूसरा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे क्या, क्या क्या चीज़ जो है वो नहीं चाहिए मुझे पसंद नहीं आई तो उसको चेंज करके दो मुझे ठीक है ये जो है वो थोड़ा सा प्रॉम्स हम कैसे लिखते हैं वो आ गया ठीक है अब मैंने अब तक एक बात जो है वो मैंने रिपीट किया बार बार के जो जनरेटिव के मॉडल्स हैं ना इनके अंदर डेटा होता है ठीक है GPT 3.5 के पास डेटा है 2022 तक GPT 4 के पास डेटा है बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू थ्री के ठीक है अब जो उन्होंने नया धमाका किया है पिछले दिनों वो सोरा का था सोरा तो माशाल्लाह एक और ही चीज़ है उसने सिंथेटिक डेटा के ऊपर काम किया ठीक है वो तो एक और ही किसी और डायरेक्शन में और ज़्यादा बूम कर देने वाली चीज़ है बेसिकली ठीक है सो, सोरा और बेहतरीन चीज़ है लेकिन हर मॉडल का डिपेंड करता है उसके पास डेटा कितनी हो सकती है अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैं एक जनरेटिव मॉडल से वो क्वेश्चन कैसे पूछूं जो उसके पास डेटा ही नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं इसी जी पी थ्री पॉइंट फाइव पे काम कर रही थी और मैं मेरे पास काम आया था फायर टू का ठीक है ये फायर टू आ गए अब फायर टू भी एक मॉडल है किसका ये मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का ठीक है और ये है ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बहुत बाद रिलीज किया ठीक है, है अब होता है क्या है कि अगर आप जी पी से लाइक like, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कि 2022 से बाद हुए, कुछ इवेंट्स ऐसे ही जो कि 2022 से बाद हुए आप उससे वो क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर नहीं करेगा आप आपसे कहेगा मुझे इसका मुझे इसका पता नहीं है तो सिमिलरली जब मैंने सिंपली फायर टू को सर्च किया ना कि फायर टू क्या है तो उसने मुझे यही रिस्पॉन्स किया था कि मुझे आइडिया नहीं है फायर टू फायर टू क्या है इसकी रीजन यही है कि उसके पास ये रिलीज हुआ था ट्वेंटी के बाद और इसके पास डेटा नहीं था तो अब मैं इसको सोल्व कैसे करना है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास टाइप आती है प्रॉम्प की टाइप कौन कौन सी होती है एक होती है जीरो शॉर्ट और एक होती है फ्यू फ्यू प्रॉम्प्टिंग जीरो होती है वो प्रॉम्प जिसमें uh, जिसमें मॉडल को जिसका सारा डेटा उसको ऑलरेडी पता है ठीक है फॉर एग्जांपल जब मैंने उसको कहा था ना मुझे रीडमी फाइल बना के दे दो तो उसको पता था कि रीडमी फाइल क्या होती है या फिर उसको पता था कि मार्कडाउन लैंग्वेज क्या होती है उसको आइडिया था जी पी थ्री पॉइंट फाइव को तो उसने मुझे रीडमी फाइल आसानी से बना के दे दी और मुझे बना के भी मार्कडाउन के अंदर दी मुझे खुद उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ा था तो उसको हम कहते हैं जीरो शॉट की प्रॉम्प्ट फ्री फ्यू शॉट क्या होती है फ्यू शॉट होती है एक ऐसी प्रॉम्प्ट जिसमें या फिर एक ऐसा आप समझ लें एक ऐसी चैट ये ये मैं इसको एक चैट कर रही हूँ ठीक है एक ऐसी चैट जिसमें हमें इस जी पी टी थ्री पॉइंट फाइव को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़े उसको बताना कर पड़े कि देखो तुम्हारे पास तो ये डेटा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ तो चलो तुम इससे देख के कुछ लर्न कर लो और मुझे मेरा आंसर दो जब मैं फाइव टू पर सर्च किया ना इसको तो इसने मुझे बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मेरे पास मुझे पता नहीं है फाइव टू को इवन आप जी पी थ्री पॉइंट फाइव पर सर्च करेंगे ना अगर डाले थ्री के बारे में या फिर जी पी टी थ्री पॉइंट जी फोर के बारे में तो आपको यही रिस्पॉन्स देगा कि सॉरी मेरे पास अभी तक डेटा इतना मौजूद नहीं है कि ये नेक्स्ट वर्जन है तो मैं इसको आउटपुट नहीं कर सकूंगा तो उसने मुझे वैसे ही आंसर किया था लेकिन फिर मैंने क्या किया मैंने फाइव टू का टेक्स्ट उसको दिया और मैंने उसको बताया दिस इज फाइव टू ठीक है मैंने इसको ये कहा है कि लाइक मैंने फाई टू का माइक्रोसॉफ्ट की फाई टू थी मैंने उसको उस बारे में सर्च किया और उसके बारे में जितना भी था ना वो मैंने उसको दे दिया और उसको मैंने बताया कि ये फाई टू है अब फाई टू का मैंने उसको बताया कि ये ट्रांसफॉर्मर है और उसके अंदर तो इतने पैरामीटर्स हैं ये भी बिल्कुल एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल है ये एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है एस है और इसके पास भी 2.7 बिलियन के पैरामीटर्स है और ये क्या क्या करता है मतलब एज अ शॉर्ट मैंने उसको समरी दे दिया अब फाइव टू का इसको आइडिया नहीं है ठीक है उसको नहीं पता थ्री पॉइंट फाइव को फाइव टू क्या है लेकिन मैंने उसको लर्न करवाया है मैंने उसको अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर उसको लर्न करवाया ठीक है अब जो मैंने उसको दे था ना थोड़ा सा पैराग्राफ उसने उसको देखा और मुझे ये समरी दे दिया ये बेसिकली उसने खुद लर्न भी किया और मुझे समरी भी दिया अब मैंने क्या किया अब मैंने उसको अपना क्वेश्चन पूछा है ठीक है अब लाइक ये मैंने उसको मजीद इंफॉमेशन दी है मैं उसको मजीद लर्न करवा रही हूँ ये मैंने उसको ये मैं ना बेसिकली एक हैथन में पार्टिसिपेट कर रही तो उस हैथन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मुझे थोड़ा सा मटेरियल चाहिए था तो पहले मैंने उसको लर्न करवाया फायर टू के बारे में फिर मैंने उसको लर्न करवाया कि मेरी हैकथन किस बारे में है तो मैंने उसको बता दिया कि मैं इस पार्ट मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ये मैंने सारे उसको दे दी डिस्क्रिप्शन कि मेरी जो है ना वो ट्वेंटी फोर आवर्स की होने वाली इसमें मुझे एक बनाना है फायर टू के जरिए तो ये क्या क्या होने वाला है उसके बाद मैं उसको अभी भी लर्न करवा रही हूँ तो अब ये सारा कुछ सीख रहा है ठीक है तो अब उसने मुझे क्या कर दिया अब उसको मैं फिर से रिपीट भी करी उसको नहीं पता फाइडू क्या है उसको नहीं पता कि मैं ये कौन सा मॉडल है लेकिन उसने मुझे इनोवेटिव प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दे दिए क्यों दे दिए मैंने अभी भी उसको सारा लर्न करवाया तो जो चीज उसको नहीं पता थी जो डेटा उसके पास नहीं थी वो उसका भी आप, आपको आउटपुट कर सकता है कैसे थ्रू दिस फ्यू शॉर्ट लर्निंग प्रॉम्प्टिंग के फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में हमने अभी देखा कि वो हम उसको लर्न करवाते हैं जब मैंने उसको लर्न करवाया तो उसने तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट एक रिस्पॉन्स दे दिया था लाइक उसने मुझे ढेर सारे आइडियाज दे दिए थे कि ये सारे आइडियाज हैं इतने सारे ठीक है तो ये सारे आइडियाज अब उसको तो पता भी नहीं था कि होती क्या लेकिन उसने ऑलमोस्ट आइडियाज दे दिए थ्रू लर्निंग ठीक है तो ये ये होते हैं इंपॉर्टेंट जिनके थ्रू हम अपने पास आ, काम सिर्फ सिर्फ को चेंज करने से फिर सिर्फ एक अच्छी लर्निंग करवाने से या फिर एक अच्छी प्रॉम्प्ट एंटर करने से उसने मुझे वो भी रिस्पॉन्स दे दिया जो कि उसको नहीं था उसको खुद भी बताने था कि वो होता क्या तो उसने तो 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 ये सारा कुछ दे दिया मैं उससे आगे कुछ और भी काम कर रही थी आई डोंट नो अब मैंने उसको अपना ये बताया मैंने कौन सा चूज किया है और इसमें से मैंने थोड़ा सा अब यहाँ पर ना बेसिकली मैं थोड़ा सा नेम पूछने की मेरे मेरे इसको एक नेम दे दो मेरी इस प्रॉम्प्ट को ठीक है मेरे मेरे इस प्रोजेक्ट को तो उसमें मुझे नेम बता दिए सारे कि आप ये नाम दे सकते हो इस प्रोजेक्ट को उसके अलावा अब अगर तो मैं अब मुझे ना एक बनानी थी वीडियो ठीक है अब उस वीडियो के लिए मुझे स्लाइड्स चाहिए थी स्लाइड्स के लिए मुझे सारा टेक्स्ट चाहिए था ठीक है तो अब या तो मैं खुद अपनी जद्दोजहद लगाती पंद्रह से पचास मिनट लगाती और शायद दो घंटे भी लगा देती और मैं सारी स्लाइड्स वगैरह देखती सर्च करती और उससे कहती कि अपना सारा लाइक मेहनत वहां लगाती और उसके बाद शायद मैं एग्जॉस्ट हो जाती इतना काम करने के बाद ठीक है लेकिन मैंने क्या किया क्योंकि उसको सारी नॉलेज है कि फाइव टू क्या है उसको पता है कि मैंने क्या आइडियाज़ दी हैं उसको पता है कि मैंने कौन सा आइडिया सेलेक्ट किया मैंने सिर्फ उसको जाकर इतना बता दिया मैंने उसे कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसका नाम ये है सॉरी uh, यहाँ पर ये यह वाला ठीक है मैंने उसको बता दिया कि मैं बता रही हूँ प्रोजेक्ट ये नाम भी मैंने उससे चूज करवाया था उस, उसके दिए लिए नाम से मैंने चूज किया और उसको मैंने कह दिया कि मुझे ना मैंने ये सारा काम करना है मुझे एक फाइव uh, मिनट की वीडियो बनानी है तो मैंने उसे कहा राइट फाइव मिनट डिस्क्रिप्शन फॉर इट आई एम यूजिंग फाइव टू जी पी टी फॉर टेक्स टू स्पीच मॉडल टू वेरीफाई एंड जनरेट द आउटपुट मैंने उसको सारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं ठीक है तो अब उसने मुझे क्या किया उसने मुझे इतनी लंबी सारी जो कि ये जितने भी थी ठीक है ये सारे के सारे इसमें मुझे बता दी ये सारे उसने बेसिकली मुझे स्लाइड्स की टैक्स दे दी है ठीक है ये सारे का सारा जो पावर पॉइंट है ना ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो तो मुझे ये सारे का टैक्स दे दिया लाइक उसने मुझे उसने बताया भी है कि पहली स्लाइड जो है वो ओवरव्यू की बनाना दूसरी स्लाइड आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बनाना तीसरी स्लाइड आप की फीचर्स की बना लेना और चौथी स्लाइड सिमिलरली उसने ये मुझे चौथी पाँच मिनट बताई है ना सिर्फ उसने मुझे स्लाइड्स बता दी हैं उसने उसका मुझे हेडिंग बता दिया और उसने मुझे उसके अंदर सारा कॉन्टेंट भी बना के दे दिया ठीक है तो ये इतना इफेक्टिव आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उसको अपना अच्छी लिख के दे दो अब उसके बाद मैंने उसके क्योंकि मेरा वो प्रोजेक्ट चल रहा था मैंने उससे ये भी कह दिया कि मुझे रियलमी फाइल भी लेके दे रहा है इसके लिए तो उसने मुझे सारी के सारी रियल फाइल लेके दे दी उसको पता था कि मेरा क्या मैंने बनाया प्रोजेक्ट उसने अपने आप से ये सारी ऊपर ना ये एंटर किया ये सारा इंट्रोडक्शन इसका ये सारा उसने इंट्रोडक्शन ऐड किया उसका ये ये लंबा है काफ़ी ठीक है ये शो नहीं हो रहा था बट ये लंबा है इसका उसने सारी फीचर्स एड करके दे दिए उसने रीडमी फाइल के अंदर ये हाउ इट वर्क्स एंटर करके दे दिया इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारा करके दे दिए हैं फ्यूचर डायरेक्शन तक क्लिक के दे दी है ठीक है तो ये सारा काम जो है वो जी पी ने करके दे दिया ठीक है ये थोड़ा सा मजीद मैं उसको काम को कर रही थी डंड ठीक है तो ये छोटे से एग्जाम्पल है कि हम कैसे इसको काम करते हैं तो आ, सो अब इतना टाइम तो होने वाला है है ठीक तो, ओके अब मैं आ, जीरो शॉर्ट होती है और दूसरी फ्यू शॉर्ट अब बेसिकली हमारा काम तो हो गया लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम हम इसको एंड ही करते हैं एक एक, एक आ, इतना तो आपको आइडिया हो चुका होगा ना कि लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होता है दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग भी काफ़ी आई है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है मैंने अभी भी सिर्फ इससे रीडनी फाइल लिखवाई है लेकिन आप इससे अगर आप इसको एक्सप्लोर करो तो आप इससे पूरे कोड बंडल्स ऑफ कोड लिखवा सकते हैं जो कि शायद आपकी समझ भी नहीं आ रहे होंगे लेकिन वो आपको एक्यूरेट कोड लिख के दे देगा अगर आपने उस कोड में कोई चेंजिंग करवानी तो फिर आप उसको वो भी उसको उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया फिर इसको इस लैंग्वेज में लिख के दे रहे हो तो वो सारा कन्वर्ट भी करके दे देता है तो यही सारा काम हम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू करते हैं और इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ठीक है अब पहले जो फाइल जो पहले सारी मेहनत लगती थी ना कि इन रीडमी फाइल्स को बनाने में इन पावर पॉइंट्स को बनाने में इन सारे काम को करने में अब वो मेहनत आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर लगा सकते हो और आप उसकी जगह पर मजीद इस आर्टिफिशियल की जो इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये एक्चुअली अभी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है और वो कहते हैं ना कि नो कोड डिवेलपर तो वो वो इन सेंस अब इस फील्ड में फील्ड में आ चुकी है और आपको ना इससे अंदाजा हो ही चुका होगा कि लाइक कोई भी कोड नहीं लिखा ना तो अगर आप कोड आता भी नहीं लिखना तब भी आप उससे इतना कुछ निकलवा सकते हो तो यही वो बात है कि जो कि अब आजकल जो इतना आम हुए हैं ना नो कोड डेवेलपर की वो इसी वजह से हुई हुई है ठीक है तो अब मैं एंड तो इसको यहीं पर करूंगी आ, इसको मैं यहीं पर एंड करूंगी बस एक छोटा सा वो जो एंड है वही है कि ए आई हेल्व क्या होती हैं हमने ये तो देख लिया कि आंसर करते हैं बट एक बात जो आपने रिमेंबर करनी है वो ये है कि मॉडल्स के अंदर ना हेलोसिनेशन होती हैलोसिनेशन क्या होता है कि जो आपका मॉडल है ना वो आपको आंसर थोड़ा सा डाइवर्स करके देगा कुछ आंसर आउटपुट कभी कभी